हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेप गुरु यूट्यूब चैनल। जिस चीज़ का आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अभी एक प्रेस रिलीज को जारी किया है और उसमें बोला है क्या, एलोकेशन कम एडमिशन शेड्यूल फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-2024। मतलब क्या लास्ट डेट होनी है, कब फॉर्म्स जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ओपन हो रहा है, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें, क्या सिमुलेटेड जब लिस्ट आएगी उसकी लास्ट डेट क्या है, सब चीज़ों की लास्ट डेट से लेके करेक्शन फीचर्स सारी चीज़ें जो हैं इस लिस्ट में, इस प्रेस रिलीज में उन्होंने बताई है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं, जिसमें से सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट ये है, कमेंसमेंट ऑफ फेज सेकेंड ऑफ CSAS, कमेंसमेंट ऑफ फेज सेकेंड ऑफ CSAS। उसमें उन्होंने ये बोला है कि द फेज सेकेंड ऑफ CSAS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम UG 2023 फ्रॉम मंडे जुलाई 17, 2023। मतलब जो CSAS का फेज टू स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम मंडे, आज से ही जो है फेज टू स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इसमें कौन कर सकते हैं फेज टू में रजिस्टर? फेज टू में सिर्फ वही लोग रजिस्टर कर सकते हैं जिन्होंने फेज वन को कंप्लीट कर लिया हो। मतलब फेस वन का जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जिसमें आपके नाम वाम सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को जिसने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, वही फेस टू का फॉर्म जो है, जो डेट आई है उसको आप ओपन करके भर सकता है। ठीक है, अगर किसी ने कर लिया है फेस वन को रजिस्टर तो वो UGadmissions.uod.ac.in, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे UGadmission.uod.ac.in, इस वेबसाइट पे जा करके लॉगिन करेगा टू चूज देयर प्रेफर्ड प्रोग्राम्स एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब आप फेज टू में जब लॉगिन करेंगे तो आपको अपना एलिजिबिलिटी के साथ साथ आप कौन सा कॉलेज चाहते हैं अपने कोर्स के लिए, वो सारे कॉम्बिनेशन आपको बना करके फेज टू में ही सबमिट करने पड़ेंगे। पर फेज टू में जाने से पहले देर हैज़ टू बी वन थिंग दैट यू शुड हैव कम्प्लीटेड फेज वन का रजिस्ट्रेशन, तभी आप फेज टू में लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, तो डेट इंपॉर्टेंट है कि आज से डेट स्टार्ट हो चुकी है। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। Candidates who have still not registered themselves on CSAS portal will also be able to register at the university has decided to keep both the phases open till 4:59 PM Monday, July 24, 2023. Phase 1 and Phase 2 will close at 4:59 PM Monday, July 24, 2023. तो मतलब बेसिकली क्या है कि अगर किसी ने फेज वन को रजिस्टर नहीं किया है तो भी वो पहले रजिस्टर कर सकता है फेज टू के लिए, और उसके लिए लास्ट डेट डिसाइडेड है। क्या लास्ट डेट डिसाइडेड है? आपकी 5:01 पहले, शाम के 5:00 से सिर्फ 1 मिनट पहले तक का आपके पास डेडलाइन है। और वो डेट क्या है? डेट है आपकी 24 जुलाई 2023। और फेज टू के लिए भी क्या डेट है लास्ट? 24 जुलाई 2023। तो जितने भी लोगों को फॉर्म्स भरना है, अपनी प्रेफरेंसेस को भरनी है, वो अपनी डेट को याद रखे, कोई केयरलेस ना हो जाए कि चलो ठीक है हम तो बाद में भर देंगे। ऐसा एक्चुअली कई बार होता है कि लास्ट में कई स्टूडेंट एक साथ भरने के लिए आते हैं तो वेबसाइट पे रश हो जाता है और वेबसाइट का सर्वर जो है स्लो हो सकता है या डाउन भी हो सकता है, तो उस समय फिर घबराहट हो कि फॉर्म नहीं भर पा रहा है। आपको एक आज कल परसों के अंदर अपने फॉर्म को, फेज टू को, प्रेफरेंस शीट को सबमिट कर देना ज़रूरी है, जिसकी वजह से एंड का जो रश होता है वो आपको झेलना ना पड़े और आप अपना एकदम आराम से चिल मोड में रहें। ठीक है, तो डेडलाइन आपकी पता होनी चाहिए क्या है, 5 PM थर्सडे। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, प्रेफरेंसेस सेव जो भी हो जाएंगी और अपने आप वो डेडलाइन लॉक हो जाएगी, कब तक? July 27, 2023, ऑटो लॉक ऑन रीचिंग द डेडलाइन। ठीक है, तो उसको लॉक करने का जो है वो अपने हिसाब से लॉक होगा जो भी प्रेफरेंसेस है, और वो कब तक हो जाएगा? 27 जुलाई 2023। आगे जो वीडियो में इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ वो है करेक्शन विंडो। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ऑब्वियसली ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं कि वो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, तो फेज़ वन में उन्होंने कुछ ना कुछ मिस्टेक की होगी। ठीक है ना, करेक्शन विंडो हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव already completed their phase 1 and wish to
एडिट एंड मॉडिफाई सर्टेन फील्ड्स। मतलब कि अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फेज वन में कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं और वो चाहते हैं कि उसको मॉडिफाई कर सकें, परेशान चल रहे हैं कि सर मॉडिफाई हो पाएगा कि नहीं। अच्छा, हमारे पास भी कई सारे मैसेज आ चुके हैं कि सर फेज वन भरते समय ये मिस्टेक हो गया, नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, जो ये सारी चीज़ें हैं वो जो मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से हमेशा टेंशन बना रहता है, घबराहट बनी रहती है कि क्या सही होगा क्या नहीं होगा, वो चीज़ भी आप सही कर सकते हैं। क्योंकि अलग से जो चीज़ है आपको यहाँ पे दी गई है कि आप अपने चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, पर क्या हम सारी चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं? जी नहीं। ये आपको दिया तो गया है कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं, पर आप कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ कि आप क्या क्या मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। चलो तो जानते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं, नहीं मॉडिफाई कर सकते। नॉट बी अलाउड कैंडिडेट नाम, अगर आपने नाम गलत भर दिया है तो अब आप अपने नाम को चेंज नहीं कर सकते। अपना फोटोग्राफ, ऐसा नहीं है कि आप किसी और का फोटोग्राफ डाल दिया हो तो फोटोग्राफ चेंज नहीं हो सकता। सिग्नेचर, सिग्नेचर भी चेंज नहीं हो सकता। और क्या चीज़ें हैं, कैंडिडेट्स का जेंडर वो चेंज नहीं हो सकता। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वो चेंज नहीं हो सकती। कैंडिडेट्स का मोबाइल नंबर वो चेंज नहीं हो सकता। कैंडिडेट्स की कैटेगरी, सब कैटेगरी, कास्ट, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। अगर इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा है कि मार्क्स, तो हो सकता है मार्क्स चेंज किया जा सकता हो, परसेंटेज का कुछ अगर हो तो, पर ये तो उन्होंने मैंडेटरी किया हुआ है कि ये सारी चीज़ें। मैं फिर से बता देता हूँ किसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, किसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो वो है आपका नाम, कैंडिडेट्स नेम, कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, कैंडिडेट्स सिग्नेचर, कैंडिडेट्स जेंडर, कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर और कैंडिडेट्स कैटेगरी, ठीक है। इन सारी चीज़ों में आप जो है चेंज नहीं कर सकते, यानी मॉडिफिकेशन नहीं ला सकते। इसके बाद अगर किसी का कास्ट का सर्टिफिकेट रह जाता है, या फिर ओबीसी के अंदर नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट रह जाता है, या फिर ईडब्ल्यूएस का जो नया सर्टिफिकेट बनना है वो नहीं बन पाया था, तो नया सर्टिफिकेट अगर अब बन चुका है इस सेशन के लिए तो वो आप एडिट और मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको रीअपलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए आपको मॉडिफिकेशन अलाउ किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि क्या क्या चीज़ें हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। EWS, SC, ST, Minority, PW, BD candidates who wish to re-upload their updated document certificates can do the same in the correction window. ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या चीज है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अब NTA का रिजल्ट, NTA ने CUET का रिजल्ट दे दिया, CUET 2023 के रिजल्ट के बेसिस पे अलग अलग मेरिट बनेगा। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, जो उनका 12th का सब्जेक्ट था वही कैलकुलेट किया जाएगा। अगर वो सब्जेक्ट उनका नहीं था तो उससे रिलेटेड कोई आसपास का सब्जेक्ट है तो वो कैलकुलेट किया जाएगा। इन्होंने खुद कहा है, ओनली दो सब्जेक्ट्स विल बी कंसिडर्ड इन विच द कैंडिडेट हैज पास्ड हिज और हर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम। इन केस द सब्जेक्ट स्टडीड इन क्लास 12th वॉज नॉट पार्ट ऑफ CUET, द सब्जेक्ट सिमिलर और क्लोजर टू द सब्जेक्ट स्टडीड इन क्लास 12th विल बी कंसिडर्ड। इट विल बी अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू प्रोवाइड करेक्ट सब्जेक्ट मैपिंग। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपने 12th में कुछ भी पढ़ा और आप कोई सा भी अलग चीज लेने जा रहे हैं, नहीं। वो देखेंगे कि आप जो है जो सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, क्या वो सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में पढ़ा था कि नहीं, आपके बोर्ड्स में था कि नहीं। अगर CUET के एग्जाम में वो सब्जेक्ट नहीं था तो उससे मिलता जुलता कोई सब्जेक्ट जो है हो सकता है वो आप फिर भी शो कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली अलग कर दिया जाए। जो मेरिट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ उसी पे बनेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दो स्कोर आए हैं हमारे पास, एक हमारा आया है रॉ स्कोर और एक हमारा आया है नॉर्मलाइज्ड स्कोर। नॉर्मलाइज्ड स्कोर में कई सारे स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो कम हुआ है, ठीक है ना। अब नॉर्मलाइजेशन में हुआ क्या कि कुछ लोगों का पेपर CUET के हिसाब से, मतलब NTA के हिसाब से शिफ्ट, कई शिफ्ट्स में हुआ है, मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर हुए हैं, तो कुछ लोगों के हिसाब से पेपर जो है शिफ्ट वाइज अलग अलग आया है डिफ़िकल्टी लेवल। तो उन डिफ़िकल्टी लेवल को मैच करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी शिफ्ट में ईजी आ गया है तो वो तो स्कोर कर लेंगे खूब सारा, ठीक है, और कुछ में बहुत टफ आ गया तो वो तो स्कोर ही नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली जिनका ईजी आ गया है, उनका जो टफ आ गया, उन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या किया गया है, नॉर्मलाइजेशन। तो हम जो NTA ने बोला है और जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है उसने भी ये बोला है कि हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइज्ड स्कोर को लेंगे, हम रॉ स्कोर का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। फॉर एडमिशन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल कंसिडर सब्जेक्ट बेस्ड नॉर्मलाइज्ड स्कोर प्रोवाइडेड बाय NTA फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोग्राम ग्रुप मेरिट स्कोर्स, ठीक है।
और कोई स्कोर वो नहीं लेंगे। अगर मान लेते हैं कि किसी का हिस्ट्री में आया है मान लेते 99% ठीक है, पर उनके मार्क्स जो है नॉर्मलाइज करके कम आ गए, तो परसेंटाइल बेसिस पे लिया जाएगा और नॉर्मलाइज स्कोर पे लिया जाएगा, ना कि रॉ वाले पे लिया जाएगा। चलो इसमें कुछ चीज दिखा देते हैं। इसके बाद ये है कि प्रेफरेंसेस, मतलब कौन सा कॉलेज आपको किस हिसाब से चूज करना है, उसके रिलेटेड जो वीडियो है हमारा इस चैनल पे पढ़ चुका है कि आपकी जो प्रेफरेंस है वो कौन सी होनी चाहिए। वो एक डिटेल्ड वीडियो प्रेफरेंस वाइज हमने पहले से ही आपको बना करके दे दिया है, आप उस वीडियो को हमारे चैनल पे जा करके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे वो वीडियो की कंप्लीट लिस्ट है कि बीएससी में कौन सा है, बीए में कौन सा है, तो जो भी आपको यूनिवर्सिटी की लिस्ट देखनी है उस प्रेफरेंस वाइज हमारे कॉलेज की लिस्ट को आप देख सकते हैं। उसके लिए यहाँ ये कह रहा है कि प्रेफरेंस सेव्ड बाय द कैंडिडेट्स विल डिटरमाइन द एलोकेशन एंड एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट्स। इट इज एडवाइजेबल टू चूज मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंसेज इन विच अ कैंडिडेट इज विलिंग टू टेक एडमिशन इफ ऑफर्ड। एडिशन डिलीशन एडिटिंग टू द प्रोग्राम्स एंड कॉलेजेस आफ्टर द डेडलाइन फॉर द फेज टू विल नॉट बी अलाउड। तो जो भी आपको काम करना है, जो भी आप मैक्सिमम कोर्सेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, पर ये जो आप सिलेक्शन बनाएंगे अपना, ये जो अपनी प्रेफरेंस बनाएंगे कैलकुलेट करके, ये डेडलाइन के बाद आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप 24 से पहले अपनी इस चीज़ को आप बना करके जमा कर दें, ठीक है। डिले मत करना, क्योंकि लास्ट में मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि डिले करने पे लास्ट में क्या होता है कि बहुत सारा रश आता है, सर्वर डाउन हो सकता है, ठीक है। तो अपनी चीज़ों को मैक्सिमम आप चाहते हैं कि अच्छा कॉलेज मिले, टेंशन फ्री रहो, तो इसमें थोड़ा सा एफर्ट डालना, हमारी जो लिस्ट है उससे अपने आप को मिलाना, जो कोर्सेज चाहिए उसमें मिल जाएंगे आपको, तो डेडलाइन के बाद ये अलाउ कुछ भी नहीं करेंगे चेंज करना, ठीक है। CSUS अर्न ग्रेजुएट एलोकेशन कम एडमिशन शेड्यूल क्या क्या है हम देख लेते हैं। इसमें फेज़ वन एंड फेज़ टू ऑफ CSUS करेक्शन विंडो की आपकी डेट दे दी गई है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे इन्होंने 20 लिखा हुआ है, 20 जुलाई 2023 तक इसकी लास्ट डेट है। प्रेफरेंस क्या है, फिलिंग फॉर प्रोग्राम इन कॉलेज इन CSUS, ये कब तक है आपका, आज से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आज से आपकी प्रेफरेंस शीट डालना स्टार्ट हो चुका है। आप अपने कॉलेजेस को जो है चूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स के हिसाब से। अब मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि आप अपने कोर्सेज को वैल्यू थोड़ा ज़्यादा दें एज़ कम्पेयर टू कॉलेज। अच्छे कॉलेज के चक्कर में सिर्फ कोई ऐसे कोर्सेज ना बना लें जिसका कोई फ्यूचर ना दिख रहा हो, ठीक है। तो अपने कोर्सेज को प्रेफरेंस दें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, हो सकता है एकदम टॉप नॉच कॉलेज ना भी मिल पाए, तो कम से कम आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा कि आप वो कोर्स कर रहे हैं किसी, ऐसा नहीं कि टॉप से नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, किसी दूसरे कॉलेज से कर रहे हैं, पर वो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। आपने मान लेते कोई ऐसे सब्जेक्ट से कर लिया जिसका आगे कहीं भी कोई एंट्रेंस एग्जाम में कोई हेल्प ही नहीं मिल रहा है, दोबारा आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं, इसलिए अपने ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है उसको ऐसा रखें कि आपको फ्यूचर में क्या करना है उससे रिलेट करके, ठीक है। बीच में अभी सिर्फ अच्छे कॉलेज लाइफ और कॉलेज के लिए इसको ना देखें, अपने आगे आने वाली लाइफ के हिसाब से सोचें कि आपका लाइफ गोल क्या है। अगर UPSC है या कोई सा भी गोल हो सकता है, ठीक है ना, अच्छा जॉब है कुछ भी, पर उसके हिसाब से अपने कोर्स को चूज़ करें, ना कि कॉलेज के हिसाब से। कॉलेज में तो आप कोई मल्टीपल कोर्सेज बना के किसी भी तरह जा सकते हैं, पर आपको क्या पसंद है आप उस हिसाब से चूज़ करें, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑटो लॉक करेगा ये CSUS जो प्रेफरेंस है, ऑटो लॉक कब तक करेगा, मैंने आपको बताया था 27 जुलाई तक ये ऑटो लॉक कर देगा, और जो पहली लिस्ट आएगी वो आ जाएगी कब, 29 जुलाई को। तो जो भी सिमुलेटेड लिस्ट आएगी, सिमुलेटेड मतलब कि किसको कौन सा कॉलेज कैसे मिल रहा है, वो जो लिस्ट आएगी वो आएगी आपकी 29 जुलाई तक, ठीक है ना। फिर क्या आएगा, सिमुलेटेड लिस्ट प्रेफरेंस चेंज विंडो, उस लिस्ट के बाद अगर आपको अपग्रेड करना है, अपने प्रेफरेंस को चेंज करना है, तो उसके लिए क्या दिया गया है, 29 तारीख से स्टार्ट होगा और 30 तारीख, सिर्फ एक दिन आपको दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा फिर यहाँ पे क्या होगा, डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट CSUS एलोकेशन लिस्ट, यानी हम सबके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेट आएगी वो होगी 1st अगस्त। जो भी काम आपने पहली बार में किया है इन सब का, सबसे पहला जो एलोकेशन आएगा CSUS का एलोकेशन लिस्ट, ये जो आएगी आपकी 1 अगस्त को आएगी, ठीक है। तो डेट्स को याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर कैंडिडेट्स अगर एक्सेप्ट करेंगे उसको कितना टाइम दिया गया है, 3 दिन का टाइम दिया गया है कि आप 4 अगस्त तक अपनी जो सीट है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद आपको वेरीफाई और अप्रूव करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन को, वो कितना तारीख है, यही तारीख है पहले से लेकर के
5 तक, और आपको जो फीस पेमेंट करनी है वो करनी है 6 अगस्त तक। मतलब कॉलेज में अगर आपको सीट मिल गई है पहली बार में ही, तो आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है जो भी एलोकेटेड सीट है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन को वेरीफाई कराना है, फीस को पेमेंट करना है, और फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है 6 अगस्त, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जो सीटें खाली रह जाएंगी उनकी बात होगी। डिस्प्ले ऑफ वेकेंट सीट्स 7 अगस्त से स्टार्ट होगा फेज़ वन के बाद। मतलब फेज़ वन का मतलब है कि राउंड वन अगर हमारा हो गया, उसके बाद जो बची सीटें हैं। उसके बाद क्या है, रीऑर्डर हायर प्रेफरेंसेस, मतलब कि किसी को हो सकता है उनकी पहली चॉइसेस ना मिली हो, किसी में सारी सीटें ना भरी हो, तो वो अपनी प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर कर सकता है, मतलब वो चेंज कर सकता है। कब से कब तक, 7 से 8 अगस्त तक। तो इस डॉक्यूमेंट में बेसिकली क्या है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, आप डेडलाइंस हैं, आपको डेट सारी पता होनी चाहिए। पर ये जरूर याद रखना कि फेज़ वन फेज़ टू की जो लास्ट डेट है वो है हमारी 24th जुलाई। तो मेक श्योर आप अपनी जो प्रेफरेंस शीट है उसको 24th जुलाई से पहले भर के जमा कर दें, ठीक है। यूनिवर्सिटी में अनाउंस मोर राउंड सब्जेक्ट्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द वेकेंट सीट्स इफ एनी। द एकेडमिक सेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर सेमेस्टर 1, 3, 5 and 7 विल कमेंस ऑन August 16, 2023। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है बहुत तेजी से काम कर रहा है, और उसने सारा प्रोसेस की मतलब बात कर दी है कि 16 अगस्त तक सब खत्म हो जाएगा। और आपको क्या मिल जाएगा, 16 अगस्त को पहला सेमेस्टर, मतलब जितने भी लोग नए कॉलेजेस को ज्वाइन कर रहे हैं उनकी पहली क्लास, पहला सेमेस्टर जब स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा आपका 16 अगस्त को। मैं वापस से आपको बता देता हूँ कि अगर आपको प्रेफरेंस की कोई शीट चाहिए, लिस्ट चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इम्पॉर्टेंट डेट्स को याद रखिए, ठीक है, और लगातार हमारे चैनल पे बने रहिए, हम लगातार CUET की जो अपडेट्स हैं लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।